बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सब अब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। तो यार हमारे शिकरे की जो आँख है वो बिल्कुल ठीक हो चुकी है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है। और पूरी दोनों आँखें खोल ली हैं इसने अपनी, दवाई बहुत काम आ गई अल्हम्दुलिल्लाह। और बेबी चिक को हमारी लकी पिजन जो है, बेबी चिक कह रहा हूँ, बेबी पिजन को फीड करवा रही है, ये भी बेहतरी की तरफ जा रहा है दोस्तों। तो आज क्या करना है दोस्तों, हम बनाने जा रहे हैं ट्रैप कबूतर पकड़ने के लिए। उम्मीद करता हूँ यार कबूतर हम पकड़ लेंगे। और ट्रैप का जो सामान है वो मैं आपको दिखाता हूँ हम कैसे बनाने जा रहे हैं ट्रैप, तो आप चेक करें ज़रा। तो यार इसे बनाने जा रहे हैं हम अपना ट्रैप, और आप देखते जाइए कि ट्रैप बनता कैसे। यार मैंने यूट्यूब पे देखा है पिजन ट्रैप, बहुत ही आला ट्रैप है यार। कोशिश करता हूँ कि मैं उस टाइप का ट्रैप बना लूँ, हमारा ट्रैप कामयाब हो और हमारे सेटअप पर अच्छे अच्छे कबूतर आए। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा ट्रैप जो है दोस्तों ऑलमोस्ट रेडी होने वाला है, थोड़ा सा काम रह गया है। इसको ऐसे यहाँ पे रखना है हमने, और एक लकड़ी जो है दोस्तों बड़ी मुश्किल के साथ हमने ट्रैप बना लिया। इसकी फिजिक्स देखेंगे आप अभी, ये पक 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 ऐसे थोड़ी, ये देखो फिर भी मुर्गा होता तो यहाँ आराम से चला जाएगा। हाँ ये हमारा दोस्तों ट्रैप बन गया है, ठीक है। इसमें जैसे ही कोई कबूतर या वो जाएगा और इसको लगेगा, ठीक है, तो वो सीधा ये वाली रबड़ के साथ मैंने बंद की हुई है और ये ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी। तो ये हमारा ट्रैप है दोस्तों। उम्मीद करते हैं यार कोई ना कोई कबूतर आ जाएगा। आप सबको पता है हमारी छत पे या टैंकी पे कभी कभार तो इधर भी आके कबूतर या इस वाली छत पे आके दाना वाना खाने के लिए आते हैं हमारे कबूतरों को देख के। तो इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं आज भी आएगा यार कबूतर। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, उम्मीद करता हूँ आप सब भी एक्साइटेड होंगे। यहाँ भैया किसी को भी नहीं छोड़ना, ट्रैप लगा दिया है, आधे घंटे 45 मिनट के बाद देखेंगे अगर हमारा ये वाला दरवाज़ा बंद हुआ हुआ होगा तो इसका मतलब कोई ना कोई हमारे ट्रैप में फंस गया है, ठीक है। अगर नहीं हुआ हुआ होगा तो फिर हम इसको आज रात के लिए रखा रहने देंगे। अभी यहाँ थोड़ी लगा रहे हैं, उधर लगाएंगे ना इस वाली छत पे, तो छत पे लगाएंगे। तो चलिए यार हम अपने ट्रैप को बना तो लिया, अब सेट भी कर लेते हैं। इसका मुंह हमें करना है उस साइड। उम्मीद करते हैं कि यार इस ट्रैप में हमारा कोई कबूतर वबूतर फंस जाए, यार जंगली भी हो तो चलेगा, ये होगा कि खुशी होगी कि जो ट्रैप हमने बनाया वो कामयाब हुआ। तो अभी क्या करना है दोस्तों, हमने अपने बजीज के लिए मटकियां लाई थी, अभी चल के वो अपने सफारी केज में लगा देते हैं। तो अभी चलते हैं बजीज को मटकियां लगा के देते हैं। तो अभी चलते हैं दोस्तों मटकियां लगाते हैं अपने बजीज के लिए।
क्योंकि यार ये अब चारों दोस्त बन गए हैं, एक साथ झूले पे भी बैठे हुए थे। चलो हसन भागो भागो भागो, मैं भी आ रहा हूँ। तो अभी मसला ये है कि मटकियाँ लगाएं कहाँ, एक तो यहाँ पे लगेगी बीच में और दूसरी यहाँ पे लगा देते हैं बीच में, बीच बीच में, सही है। हमने अपने बेबी पिजन को आज़ाद किया हुआ है, अभी इसके अंदर सिल्क घूम रहा था, सिल्की एन ये वाला सिल्की चिक, तो ये आज़ाद रहें यार थोड़ी देर ताकि ये सही हो जाए। तो अभी कैसे लगाएंगे इसके, रस्सी तो उठाई नहीं मैंने, मैं रस्सी उठा के आ रहा हूँ। रस्सी 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 कहाँ है रस्सी। तो यार ये तार मिली है मुझे, ये बेहतरीन है, पक्की भी है, तो ये सही रहेगी इनके लिए। तो इसको मैं काट लेता हूँ। हमारे पास ये है, ये ऐसे ऐसे ये कट गया, टूटेगा। एक बंदे को बाहर से भी जाना पड़ेगा। जाऊँ मैं? तो दोस्तों हमारी मटकी बन चुकी है, अंदर से देखें। अंदर से अंडे आ गए होंगे एक दिन में। नहीं नहीं, सास ससुरी तो दिख रही है ही नहीं। दोस्तों ट्रैप को अगर चेक किया जाए तो अभी तक हमारा ट्रैप जो है उसका दरवाज़ा खुला हुआ है, अभी तक कोई कबूतर नहीं आया। तो ऐसा करते हैं, अब जब तक मैं एडिटिंग करता हूँ हम पानी वानी पीते हैं, फ्रेश वगैरह होते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कि ट्रैप में कुछ आया या नहीं आया। तो आधे घंटे के बाद मिलते हैं। तेरी क्या बंद हुआ हमारे दरवाजा? चेक करो क्या है, क्या पता हवा से हो गया हो, पहले ऐसे नहीं बोल सकते। कुछ है? हाँ अल्लाह की कसम कुछ है। वाकई में कुछ है, वाकई में यार कुछ है इसमें, यार सच में कुछ है। ये देखो क्या है, क्या है, क्या है, क्या है, देखो। हाँ हाँ देखो। तो यार दोस्तों बड़ी बात है यार कि हमारा ट्रैप में, इधर दिखाओ मेरी तरफ, मैं शॉक्ड हूँ, यकीन करें मेरी सांसें फूली हुई हैं फुल टाइम, और मुझे यकीन नहीं आ रहा कि इसमें क्या है। कुछ भी है लेकिन है सही। क्या है? छुपा हुआ। क्या था? कबूतर। कैसा? जंगली? पता नहीं, ये देखो। पकड़ो 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 यार, पिंजरे में जाके। बहुत ही खूबसूरत कबूतर है, पकड़ा गया। वाह यार ये जंगली भी नहीं है। ये देखो यार माशाल्लाह, पर चेक करो यार इसके। यार दोस्तों इसको भूख लगी होगी, ये लाजमी दाने की तलाश में आया और हमारे यार ट्रैप में फंस गया। अब पता नहीं किसका कबूतर है लेकिन ये आप नस्ल मुझे बता दें, मुझे तो फ्रंट से जंगली जंगली सा लग रहा है, जैसे जंगली की मिक्स ब्रीड हो गई हो। ये देखें मादा है, ठीक है, और पर चेक करें इसके, पूरे पर दोस्तों इसके हैं पड़े, ठीक है ना, जो उड़ भी सकता था लेकिन हमारे ट्रैप में पता नहीं यार, आई डोंट नो कैसे। पिंजरे में छोड़ो, पिंजरे में छोड़ो इसको, पिंजरे में छोड़ दें, देखते हैं। मुझे तो नर लग रहा भैया। ये देखें दोस्तों इसके पूरे पर है, और हमारे ट्रैप में यार पहली बार जिंदगी में, ये मैं दूसरी बार ट्रैप बना रहा हूँ और पहली बार ये कामयाब हो रहा है, बहुत ही खुशी हो रही है दोस्तों। इसकी नस्ल आप सबने लाजमी बतानी है कौन सी है, अगर कोई मांगने आएगा तो हम इसे वापस दे देंगे, लेकिन यार बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है। 60-70 रुपए के ट्रैप से 250-300 वाला कबूतर पकड़ लिया, बहुत है भाई। ये बैठा हुआ है दोस्तों, यार हसन इसे दाना पानी खिलाओ, कबूतरों में इसको भूख लगी हुई है फुल टाइम, लेकिन ये परेशान हो रहा है, नई नई जगह है ना, तो यार इसको अपने सेटअप का टेम करना है जल्द अज जल्द। ये देखें भूख लगी, आ गया नीचे आ गया। ये वाला कबूतर बिल्कुल शिराजी से मैच हो रहा है, देखें दोस्तों इसकी नस्ल आप सबने लाजमी बतानी है मुझे। मैं क्या कह रहा हूँ, अभी चेक किया, ये हमारी मादी है और ये नर है। हाँ मुझे पता, इसका जोड़ा लगा है, छोटू केज में रख दें। छोटू केज में अभी हमारा बेबी पिजन ही रहेगा। तो दोस्तों पिजन केज की सफाई जो है वो कर ली है हमने, और बहुत ही प्यारा हो गया पिजन केज, साफ सुथरा हो गया। अच्छा लकी पिजन इधर बैठी रहती है या इधर बैठी रहती है, आती जाती कहीं भी नहीं है। तो साफ सफाई हो गई है, बाल्टी भर गई है, मैं लेके आ रहा हूँ। आ गई खोलो, ये लो यहीं पे रखी रहना।
कबूतर नाच रही है। क्या कर क्या रहे हो तुम पानी से? क्या कर लूं मैं थोड़ा। तो एक मग्गा ही बहुत है इसके लिए। तो फिर और भी वो जो वो है ना, क्या बाहर वो मग्गे पड़े हैं, वो मग्गे पड़े हैं। चलो साफ सफाई कर लेते हैं।